पनडुब्बी टाइटन के मामले पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का बड़ा बयान सामने आया है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी के मलबे में संभवतः मानव अवशेष भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने अटलांटिक महासागर के अंदर गई टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस हादसे में पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और घटना के पीछे कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन के संकेत मिले। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही सब कुछ पूरी तरह साफ हो पाएगा। कोस्ट गार्ड ने एक बयान में कहा है कि उसने समुद्र तल से मलबा और सबूत बरामद किए हैं। इसमें संभवतः मानव अवशेष भी शामिल हैं। घटना के वक्त पनडुब्बी में टाइटैनिक मामलों के एक प्रमुख विशेषज्ञ, एक ब्रिटिश अरबपति, पाकिस्तान के एक अमीर परिवार के 2 लोग और इस मिशन को संचालित करने वाली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सवार थे। इस मामले पर टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून का बयान भी सामने आ चुका है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि समुद्र संबंधी इंजीनियरिंग समुदाय के कई सदस्य इस पनडुब्बी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा था, समुदाय के कई शीर्ष सदस्यों ने कंपनी को लेटर भी लिखा था कि वे जो कर रहे हैं वो यात्रियों को ले जाने के लिए काफी प्रयोगात्मक है और इसे प्रमाणित किए जाने की जरूरत है। मैं टाइटैनिक आपदा की समानताओं से हैरान हूँ, जहाँ कैप्टन को उसके जहाज के आगे बर्फ के बारे में बार बार आगाह किया गया था और फिर भी वह अंधेरे में बर्फ की चट्टानों पर पूरी गति के साथ चलता रहा और इसकी वजह से लोग मारे गए। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स के आधार पर इसका निर्माण असामान्य तरीके से होने के आरोप भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल सब कुछ जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा।